हिंदुस्तान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। हम इस समय हैं दादर रेलवे स्टेशन के बाहर। यहां पर कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने प्ले कार्ड लेकर, देखिए आप लोगों के सामने तरह तरह के गुटखा खाने और माँ नहीं तो बेटी नहीं और सेव चाइल्ड और बहुत तरह तरह के इन्होंने मैसेज दिए हैं। आइए हम जानते हैं, आप आगे आइए। आपका शुभ नाम? मैं वृंदा शेंगे। ये आपका आज क्या मकसद है, ये प्ले कार्ड लेकर खड़े रहना, और इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज दे रही हैं और क्या इसका मकसद है? हम चाहते हैं कि जनता में एक मैसेज पहुंचे कि कैसे खतरनाक बीमारियां होती है, सेफ चाइल्ड, ये सब मैसेजेस दे रहे हैं हम लोग। डायबिटीज़ प्री, हम क्या मेजर्स ले सकते हैं डायबिटीज़ ना होने के लिए, ईट राइट, ये सब मैसेजेस हम देने वाले हैं। तो ये आपका ये कार्यक्रम कितने सालों से चल रहा है? ये लगभग 10 सालों से। आपके क्या संस्था का क्या नाम है? बाल संस्कार। बाल संस्कार के माध्यम से तो इस आपके एनजीओ को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आपको कुछ प्रोत्साहन मिलता है? हाँ, ज़रूर मिलता है। आज उनकी उनके हेल्प से ही हमने ये सब ऑर्गेनाइज किया है। आप मुंबई वासियों को और देश की जो मम्मी पप्पा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? लड़कियों को कभी कम मत समझिए, उनको अगर चांस दिया तो वो लड़कों से आगे निकल सकती है। धन्यवाद। और कौन कौन बोलेगा, कोई बोलेगा? आइए आगे आओ आओ। आपका शुभ नाम? ओवी मुखर्जी। आप किस कॉलेज स्कूल से हैं? मैं बॉम्बे स्कॉटिश माहिम से हूँ। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में है? मैं 9th स्टैंडर्ड में गया हूँ। तो अभी आप इस एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? कि बेटी और बेटा बहुत उनमें एक समान है, हमें एक साथ रहना चाहिए, कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ आपकी मम्मी भेदभाव कर रही है? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, कभी नहीं। कोई ले, एक लड़की है, कोई आई है स्टूडेंट, कोई कोई आई है, आ जाओ। अरे जब आप लोग बोलने नहीं आओगे तो कैसे अपने अधिकार। आपका शुभ नाम? हिबा हसन। हिबा हसन, माशाल्लाह। आप कौन से क्लास में हैं? अभी 11th स्टैंडर्ड। 11। कौन सा कॉलेज का नाम है? बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम। तो आज आपने इस कार्यक्रम में कौन सा पार्ट आपने इसमें किया? कुछ हम लोग सब पोस्टर खड़े, मतलब पोस्टर लेके खड़े रहे और उन लोग ने हमारे आसपास नुक्कड़ नाटक किया। ओके, आपको ऐसा मतलब अच्छा लगा या मतलब ऐसे फुटपाथ पे खड़े रहना जैसा बहुत से लोगों को लगता है, रे हम क्या प्ले कार्ड लेकर खड़े रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा कि हमारे आसपास इतने लोग खड़े थे, इतना कुछ सीख रहे थे, तो ये सब देख के अच्छा लगा। अच्छा, तो आपके घर में आप कितने भाई बहन हो? मैं, हम दो बहनें हैं घर में। तो मतलब आपकी मम्मी तो बराबर दोनों बहनों के ऊपर ध्यान देती है। बिल्कुल। तो भाई नहीं है? नहीं, भाई आपको नहीं है। कमी तो लगती होगी भाई की? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, सब आपके भाई है। हाँ। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि बेटियों को कभी कम मत समझिए और जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे प्लीज बचिए और प्लीज जागरूक रहिए। अगर कहीं बेटों के ऊपर जुल्म होता हो तो बेटों पर भी जुल्म मत करिए। हर मतलब हर बच्चे को मतलब समान रूप से हमें उनसे बर्ताव करना चाहिए। और कोई बोलना चाहेगा? आ जाओ। अरे अमन, आपका नाम? अमन झवेरी। अमन झवेरी, आप बताइए, आप आपको यहाँ पर आने का कैसा लगा और आप क्या महसूस किया और क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, हमको बहुत आनंद हुआ कि हम ये एनजीओ के प्रोग्राम में भाग ले सके। पहले तो हमने बेटी बचाओ पे नुक्कड़ नाटक किया और उसके बाद बहुत सी जानलेवा बीमारियों से कैसे बचे उस पर भी हमने एक नाटक किया, तो बहुत आनंद हुआ। लोग भी भाग ले रहे थे, सब देख रहे थे, हमारा संदेश जन जन तक पहुंचा हो तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप इतनी कड़क धूप में हैं और अभी स्कूल और कॉलेज मेरे ख्याल से बंद होगी। हाँ। उसके बावजूद अगर आप धूप में आकर खड़े हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की बच्चों की आदत रहती है 12 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, तो इतनी सुबह आप लोग तैयार होकर दादर तक पहुंचना, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत आनंद हुआ। स्कूल में भी हमें सिखाया गया था कि सोसाइटी के लिए कुछ। कौन सी स्कूल है आपकी? बॉम्बे स्कॉटिश माहिम। तो स्कूल में भी सिखाया गया था और सबका प्रोत्साहन था, तो हमने मिलके सोचा कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करते, तो इसलिए। तो क्या इसी तरह ये एनजीओ वाले आपको दोबारा बुलाएंगे तो आप आएंगे? हाँ, ज़रूर आएंगे। और इसी तरह अगर आपको और भी कोई आपके कामों को देखकर आपसे सपोर्ट मांगता है कि आप अपने तरफ से हमें सपोर्ट दीजिए, हमको ऐसा कार्यक्रम करना है, तो आप उसमें उपस्थित रहेंगे? हाँ, समाज के लिए हम तैयार हैं कभी भी।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।